यह है एमएस न्यूज नेट और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। किसानों के लिए खुशखबरी, नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडविया ने बताया कि कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपए और डाई अमोनिया फॉस्फेट के लिए 38,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंत्री मनसुख मंडाविया ने आगे बताया कि हमारे सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश के किसानों को समय पर खाद मिले और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम में अंतर होने पर बोझ न उठाना पड़े। पिछले साल सरकार के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में 325 से 350 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है, 100 से 125 लाख मैट्रिक टन डीएपी और एनपीके को उपयोग होता है, 50 से 60 लाख मैट्रिक टन एमओपी का इस्तेमाल होता है। किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई पर एमआरपी नहीं बढ़ाई। खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। भीषण गर्मी से बचने के लिए भारत ने बनाई योजना। देश में गर्मी तबाही मचा रही है। भीषण गर्मी को लेकर लोग काफी परेशान हैं। मई के महीने में ही देश के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो देश के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहा है। आज के हरिभूमि एक्सप्लेनर ने हमें आपको बताने कि भीषण गर्मी से बचने के लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया है। पीएम मोदी ने मार्च महीने में ही गर्मी को देखते हुए बैठक की थी और अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया था कि आने वाले समय में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पतालों में लगने वाले आग का ऑडिट किया जाएगा। साथ ही पीएम ने लोगों से बढ़ती गर्मी को लेकर सावधानी बरतने की अपील भी की है। साथ ही समाचार पत्रों और टीवी चैनलों, रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। सरकार 2023 की गर्मी से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि 2023 में भारत के अंदर हर राज्य और जिले में हीट एक्शन प्लान लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही आईएफ रिपोर्ट हाउ इज इंडिया अडॉप्टिंग टू हीट वेव्स में बताया गया है कि भारत आने वाले समय में लगातार बढ़ रहे तापमान का सामना करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। शहरों को जोन में बांटा जाता है। इस प्लान के तहत शहरों को गर्मी के हिसाब से 3 जोन में बांटा दिया है और फिर जोन के हिसाब से शहर का चयन किया जाता है। इसमें सबसे पहले वो शहर आएंगे जहां तापमान 41.1 से 43 डिग्री होगा। इन शहरों को येलो अलर्ट जोन में रखा जाएगा जहां 43 से 1.0 या 44 से 9.0 तक के तापमान वाले शहर को ऑरेंज अलर्ट में रखा जाएगा। वहीं 45 डिग्री से ऊपर तापमान वाले शहरों में रेड अलर्ट कर दिया जाता है। गुजरात का अहमदाबाद शहर भारत का पहला शहर बन गया है जहां हीट एक्शन पर प्लान लागू किया गया है। हीट एक्शन प्लान में कलर कोड के हिसाब से सिग्नल का काम करता है। ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि तापमान साधारण है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। येलो अलर्ट अपडेट जानकारी देता है, ऑरेंज अलर्ट कार्रवाई के लिए तैयार करता है, रेड अलर्ट तब भी जाता है तो जब कार्रवाई करनी होगी। भारत में लोगों की जान लेती है गर्मी। देश में गर्मी के कारण मरने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2000 से लेकर 2004 तक 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में सालाना 20,000 लोगों की गर्मी से मौत होने की वजह है। यह आंकड़ा 2017 से लेकर 2021 के बीच लगभग 31,000 से अधिक तक पहुंच गया। बीता साल 2022 भारत के लिए सबसे
गर्मी वर्ष था। मौसम रिपोर्ट्स के माने तो इस साल भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बड़वानी जिले में तेज वर्षा से भीगा टेंट, मची अफरा तफरी, पानी से बचकर भागे बाराती व घराती। बुधवार शाम को कुछ स्थायी स्थानों पर आसमान पर छाए बादल बरसे। निवाली में करीब आधे घंटे तक तेज वर्षा हुई। बेमौसम वर्षा से मौसम में ठंडक घुल गई और गर्मी से राहत मिली। वही सड़क पर पानी बह निकला। तेज हवा के साथ हुई वर्षा ने नगर में तीन स्थानों पर जारी विवाह कार्यक्रम में विघ्न पड़ा। टेंट से पानी टपकने के कारण बाराती व घराती परेशान हो गए। कई लोग भोजन के दौरान भीग गए। वही तेज वर्षा के कारण दौरान विवाह समारोह के टेंट से टपकते पानी से अफरा तफरी मच गई। वही बाराती व घराती इधर उधर भटकने लगे। इसके साथ ही बारात के लिए लाई गई घोड़ी को लेकर उसका मालिक भी रवाना हो गया। अफरा तफरी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पे देर शाम को प्रसारित हुआ। एक अन्य विवाह समारोह में निकल रही बारात पानी से ही आते आते तेजी से वापस लौट गई, जहां भी तेजी से घोड़े के साथ वापस विवाह स्थल पहुंच। वर्षा के बाद देर शाम को उस उमस से लोग परेशान हुए। कृषि विज्ञान केंद्र के तापमानी के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 40.9 से यह न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानिकों के अनुसार मौसम में बदलाव जारी रहेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईकूक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznewsty.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।